हाँ। ये भाई घर को ले गया उसके साथ बच्चे हैं ना खा रही हुई। हाँ। वो देख रखा झड़ी है झड़ी है वो झड़ी में ये लड़ जाता है उसका अड्डा है उसका दो गए यहाँ पर मारी वो पेड़ लिए उसके आगे से उसके पीछे मारी उसके नीचे रखा। अरे एक आए इधर को मारी और रोकड़ ये कितने टाइम पहले की। तो सर आप चुकम विलेज से ही है तो रोज आपका ऐसे अप डाउन करना होता है तो मतलब कपड़े उतार के तैर के ही जाना है तो जैसे ये सामान वगैरह बैग का क्या रहता है पन्नी में पैक करके। अच्छा पन्नी में पैक करके तो यही मूवमेंट भी है यही काफी लोग गांव के रहते भी हैं। कहाँ जा रहे हो और पीछे ही लगातार अलार्म कॉल भी हो रही है यहीं पे टाइगर है आसपास ही इसी एरिया में होगा जहाँ तक है। काफ़ी चलने में डिफिकल्टी हम फर्स्ट टाइम आ रहे तो आप समझ सकते हैं जो यहाँ से रोज ज़्यादा पाँव में पत्थर चुभ रहे बहुत ज़्यादा बहाव है। तो जी अभी हम सामने आप देख रहे होंगे चुकम विलेज है वहाँ जाएंगे और कैसे लोग जाते हैं उसी तरीके से जाएंगे। तो अभी तो ये नदी पार करनी पड़ेगी हमें तो ये रास्ता है और गांव वाले भी ऐसे ही जाते हैं जबकि ये पक्का गांव है लेकिन जाने का कुछ दूसरा साधन नहीं है आपको रिवर पार करके ही पार जाना पड़ेगा। और टाइगर टेरिटरी में बसा ये सबसे खतरनाक गांव है जैसे कि आप सबको तो विदित ही है चुकम विलेज जिन कॉर्बेट से सटा हुआ ये विलेज। तो ये घर है लोगों के। तो अभी हमारे साथ खुलवे जी भी है कैसे हैं सर। बस बढ़िया। तो मतलब काफी डिफिकल्ट है गांव वालों के लिए वैसे जाना है रोज का ही है सुबह शाम। ये इनका दुर्भाग्य है कि इतने सालों में ये सबसे पुराना गांव है उसके बावजूद यहाँ सरकार जो है ना एक पुल नहीं बना के दे सकी इनको। ये जिस अंग्रेजों के टाइम का ही गाँव है शायद। हाँ ये सारे गांव अंग्रेजों के टाइम के हैं और सबसे बड़ी बात यह है दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर जो रिवर बेड है वो बढ़ता जा रहा है जमीन मतलब जो हमारी राजस्व जमीनें हैं वो कम होती जा रही हैं। अच्छा। और उस पर किसी की भी चिंता नहीं है इसको अगर मान लिया जाए यहाँ खनन होता और इसको बीच से निकाल दिया जाता नदी को तो एक तो रिवर बेड बढ़ता नहीं दूसरा सरकार को करोड़ों की जो है राजस्व की जो है प्राप्ति होती और ये गांव बच जाता है क्योंकि हमें एग्रीकल्चर भी चाहिए कि भाई खाने को तो अनाज चाहिए ही बहुत और बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं बहुत सारे घर बह गए हैं। और जैसे ये दिखाता हूँ बिजली के खंभे वगैरह भी है पूरा पक्का विलेज है पूरा विलेज है और पानी वानी हर चीज की सुविधा है यहाँ पर ऐसा नेचर के साथ ऐसा गाँव मिलेगा नहीं विदेशों में तो ऐसे गाँव को जो है प्राथमिकता दी जाती है उनका देख रेख किया जाता है संरक्षण किया जाता है यहाँ पर जो है हर बार इसको हटाने की बात होती है वो गलत बात है लेकिन ये चीज हट गई तो फिर कभी जिंदगी में दोबारा तो बन नहीं सकती। हाँ, नहीं बन सकती। दूसरी बात ये है कि देखो आप चाहे एलिफेंट की टाइगर की किसी की भी बात करो क्या अगर सड़क पर हम जा रहे हैं और सड़क पर एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या आप सड़क बंद कर देंगे या गाड़ियां बंद कर देंगे या लोगों का जाना बंद कर देंगे। ऐसे ही टाइगर एलिफेंट से मानव का जो मतलब आमना सामना तो होगा ही ये तो बट नेचुरल है। अभी यहाँ भाई साहब भी आ रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। तो सर आप चुकम विलेज से ही है तो रोज आपका ऐसे अप डाउन करना होता है तो मतलब कपड़े उतार के तैर के ही जाना है तो जैसे ये सामान वगैरह बैग का क्या रहता है पन्नी में पैक करके। अच्छा पन्नी में पैक करके। तो अभी सर भी यहाँ से जाएंगे और हमें भी यही रास्ते से पार करना है। पानी कितना गहरा होगा यहाँ पे। पानी ज़्यादा नहीं है इस टाइम तो नहीं है अभी तो जैसे बरसात में तो बहुत टफ था खाली रेस्क्यू करना पड़ रहा था। जितना ये घुटने तक ही है। नहीं नहीं उस पार तो ज्यादा लग रहा है। नहीं अच्छा अभी तो फिलहाल इतना है तो आपका शुभ नाम। मेरा गोविंद नाम। तो गोविंद जी के साथ हम जाएंगे। चलिए चलिए। हाँ तो ये जी बहुत टफ है यहाँ चलना।
फिसलन है काफी ज्यादा, काई है। चलिए जी, हाँ हाँ और भी अच्छा खासा है। हाँ बोलो, तो देख सकते हैं काफी चलने में डिफिकल्टी, हम फर्स्ट टाइम आ रहे तो आप समझ सकते हैं, जो यहाँ से रोज ज्यादा पाँव में पत्थर चुप रहे, बहुत ज्यादा बहाव है। लेकिन ये नेचुरल हीलिंग भी है। नेचुरल हीलिंग तो है ही, तो ट्रैक तो करना ही चाहिए सबको। हमें आज खुश किस्मत ही कि हमें यहाँ जाने को मौका मिला चुकम विलेज में। लो तो काफी हमने पार कर दिया है। हाँ बहुत ज्यादा भाव है, सही में सीरियसली पाँव खड़ लाया पानी। पाँव बहाने की कोशिश, सीधे चल रहे तो थोड़ा आगे ही पहुंच जा रहा हूँ। अब ये मेरे पास बैग नहीं होता तो मैं तो तैर के जाना प्रेफर करता। थोड़ा लेकिन ये ना अभी बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि बनाना, क्योंकि मेरे पास ये बैग है और इसके अंदर कैमरा भी है, और अगर बैग बहता है या मैं बहता हूँ तो बहुत चीज़ ऐसी हो जाएगी जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो बहुत संभल के चलना है, और साथ में आपको ये पूरा कवर करते हुए भी दिखा रहा हूँ कितना डिफ़िकल्ट है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चुकम में रहना, और जो यहाँ से ज़्यादातर लोग हैं, जो ज़्यादातर यहाँ भाई लोग हैं और जो बड़े लोग हैं, अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए ये रिवर को डेली क्रॉस करते हैं। आज हम फर्स्ट टाइम आए, लेकिन ये लोग यहाँ कई वर्षों से, 100 साल से भी ऊपर से यहाँ से ऐसे आना जाना करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा कठिनाई है। तो जी पार कर दिया पूरा, और ये देखिए मतलब काफी, ये देख सकते हैं हम। तो गोविंद जी कितने बजे तक, सुबह कितने बजे की टाइमिंग रहती है आप लोगों की जाने की? हमारा तो 7:30 निकल लेते हैं यहाँ से, उससे पहले नहीं ना। थोड़ा अवॉइड करते होंगे बाकी की वजह से ना, ड्यूटी का टाइम होता। अच्छा ड्यूटी का भी है, ड्यूटी का टाइम होता। और शाम को, शाम को 5:30 अंधेरे से पहले ही आ गए। हाँ, हाँ। ना ना वो ड्यूटी का है इनका टाइम, तब भी अंधेरे में थोड़ा रिस्की हुआ। हाँ। 9 बजे भी आते हैं, रिस्की हुआ, लेकिन ग्रुप में ही आते होंगे ना। टॉर्च 12 बजे भी आ सकता आदमी, टॉर्च वॉर्च चले गए। हाँ। कल तो एक गाय मार दी, वो नीचे वहाँ जो लाश दिख रहा है ना, नजदीक में मार दी करा, ज्यादा दूर। हाँ गांव के बाजू पे ही मार दे। अभी ये अभी किनारे किनारे चल रहे, पहाड़ तो कर लिए लेकिन ऊपर गांव में जाने के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा हमें किनारे की साइड चलना होगा। अच्छा रास्ता ही यही है गांव में जाने का? तो ये है जी रास्ता, बहुत रिस्की है। वो तो पानी तो हमारे इधर भी कम हो रहा है, लेकिन आजकल वहाँ से कोई आ नहीं रहा। पत्थर भी जाने को हो रहे हैं। तो यार गांव के हो, तुम्हें तो पता है सब। ये देखो भाई ये रास्ता है, ये रोज है गांव वालों का रास्ता। अब यहां से जाके हम ऊपर आए। तो सबसे पहले पहुंचते हुए यहाँ प्राइमरी स्कूल है चुकम गांव का। यहाँ पे हाई स्कूल इंटर नहीं है ना? हाई स्कूल है। अच्छा हाई स्कूल इसके बाजू पे ही है। तो टीचर लोग भी डेली अप डाउन करते हैं या यहीं रहते हैं?
ये क्या भाई, ब्लैक बिल्ली। तो ये है जी स्कूल, देखिए चौकम क्षेत्र रामनगर। टीचर के लिए भी कितना डिफिकल्ट आता हो तो अगर यहाँ पहुँचना, और उसके बाद बच्चों को किस मूड से पढ़ाया जाएगा, तो ये भी एक अपने आप में टफ टफ टास्क है। स्कूल वाला भी ले लो, तो यहाँ लोग बाग खेती मेन करते हैं, पानी अच्छा है और लैंड जो लैंड है काफ़ी उपजाऊ है, और ये बगीचे। जैसे हमारे पहाड़ों में भी गांव होते हैं, मतलब आप सिमिलर टू वो मान लीजिए, बस ये टाइगर टेरिटरी के आसपास है, टाइगर रिजर्व के आसपास है, तो बाघ प्रभावित क्षेत्र इसको कहा जा सकता है और है। हेलो, क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? वाह यार क्या जगह, जन्नत है एकदम। बस ये कि साधन नहीं है, संसाधन नहीं है। नमस्कार अम्मा, हाँ ठीक ठाक। खिलाड़ी ये आपको मोहम की तरफ नहीं दिखेगा, ये डॉग भी इतने बड़े हैं ना, एकदम बाघ को टक्कर देने वाले हो रखे। लेपर्ड वेपर्ड से तो भिड़ी लेंगे। हाँ इसमें गर्मी में पानी डाइवर्ट कर देते होंगे खेती के लिए, नहर का काम। ये मेरे ख्याल से शायद बरसाती उसको हटाने के लिए कलवर्ट वो बनाया हुआ है, बरसाती पानी आ जाता है ना ऊपर से। हाँ वो भी हो सकता है। कौन सा ये? हाँ ना ये नदी है, वो नहर है सिंचाई वाले ना। तो ये आगे से हम धनगढ़ी के सामने भी आ जाएंगे, आगे एक पॉइंट आएगा। हाँ मतलब दिखेगा यहाँ से, क्यों वो घुरा बाहर आ गई। हाँ एक पॉइंट से दिखेगा, ये बहुत लंबा गांव है, छोटे हैं लेकिन सब्जी बना सकते हो। ये पहाड़ी केले होंगे, छोटे ही होते हैं। नहीं, पहाड़ी वाले होंगे, कच्चे केले की सब्जी बनती है ना। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, तवे पे डालिए। तो विलेज था है जो बाढ़ की चपेट में आने से बह गया, वो दिख रहा सामने गेट, ये धनगढ़ी ढिका लगा गेट। और जो हम अक्सर देखते थे धनगढ़ी के सामने गांव, लाइट जलती थी, वो ये है। बाढ़ कब की बात होगी? ये पिछले महीने। अच्छा पिछले महीने भी तगड़ी आ गई थी। और जो ये बहाव, जो बहाव वो तो 3-4 साल हो गए, उससे पहले भी 2011 में भी आई थी। हाँ 2022 में भी आई थी, 2011 में भी, 10-11 में भी आई थी। तो बाढ़ की चपेट में बहुत ज्यादा आता है। तो ये वो इलाका आ गया जहाँ टाइगर की मूवमेंट रहती है, और लास्ट टाइम जब चौकम में एक बुजुर्ग को टाइगर ने मारा था तो इसी गधेरे की उस साइड की बात है, ऊपर की तरफ। यहाँ भी आता होगा रात? हाँ रात को तो सब जगह ही खुले हुए उसके द्वार। मैंने कहा यार कहीं गाय भैंस के ना लग तो रहा है थोड़ा। हाँ अंदर बोल रहे हैं मुर्गा लगातार। गाय कहाँ से ले गया हूँ? तो आगे वैसे कुछ घर है, लेकिन जो घटना है वो यहीं कहीं की है। ये है ना, ये जो मोटे मोटे लग रहे वही होंगे। धूल आ रही है, यही है पगमग इसमें दिख रहा है। ये रहा आगे, सांप आ गया। अरे ये लगा हुआ है, ये रहा, ये रहा भैया, ये रहा फीमेल। ना ना वो तो है, बट मतलब जो खींचा है उसने ना
खींचा तो हो सकता है यहाँ से खींचा, ये खींचा होगा ना, ये कैसे आ रही है, ये ऐसा निशान तो बन रहा है देखो, ना ना धूल तो उधर दिख रही है, ये यहाँ से आया है, ये बताएंगे रुको, ये पगमग, और पीछे ही लगातार अलार्म कॉल भी हो रही है, यहीं पे टाइगर है आसपास ही, इसी एरिया में होगा जहाँ तक है। अब कुछ गांव वाले आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नहीं है, छोटे बच्चे हैं, हाँ उसके साथ बच्चे भी आए, भी नीचे आ रखे बच्चे, ये तो अभी छोटे उधर मार रही है, वो नागो मम्मी देख गुंटू देख, कब की घटना थी, कल की, कितने बजे, तो आप लोग यहीं थे उस टाइम पे, नहीं नहीं यहाँ तो पूरी सब जगह दिख रहे हैं, ये फिर ले गया अपना खाना ऊपर खींच के, पंजे तो सब जगह ही है, लगातार मूवमेंट है, आप भी अकेले थोड़ा देख दुख के, अभी सिलेंडर कहाँ ले जाओगे, पार करके रिवर में अकेले, पाँव फिसलता नहीं है, अरे भाई साहब, तो भैया सिलेंडर लेके जा रहे थे और यहाँ से मोहन लेके जाएंगे, यार यार वो रात को ले गया, देखो कितने पग दिख रहे हैं बाहर, ये रात का है इधर, तीन या चार बच्चे हैं, तीन या चार बच्चे हैं, अभी देखो जो विलेज वाले हैं वो भी वही रास्ते से जाते हैं जहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा हमने पगमग देखे थे, टाइगर की तो रेगुलर मूवमेंट ही है वहाँ, और अभी सीआर भी दिखा था हमें वहाँ, और अभी डॉग भी नहीं पहुँचता है, तो यही मूवमेंट भी है, यही काफ़ी लोग गांव के रहते भी हैं, कहाँ जा रहे हो, नदी में, अच्छा गांव में, अरे यहाँ तो अभी बाकी भी मोमेंट भी देखा आप लोगों ने, कब, नमस्कार अम्मा, अरे गाय किसकी मारी, गाय वो नीचे उनकी मारी है, पालतू थी या मतलब छोड़ी, नहीं पालतू है वो, अरे थोड़ी कहाँ ध्यानी वाली थी वो, ओहो कहाँ पे है घर उनका, वो नीचे है वो, अच्छा लास्ट में आया तो कल शाम को है, मारा यहीं पे, हाँ यहीं पे मारा वो पेड़ के सामने, वहीं पे मारा, तो अभी गाय वहीं है या ले गया वो, पता नहीं तुम नहीं गए उसके, मैं तो नहीं गया, कहाँ जाता, यहाँ इतने धने हो तुम कैसे नहीं गए, अब हमें है? इतने धने हो तुमको डर लग रही है कि हमको, हम तो उसी समय गए उसके सामने, अच्छा चलो हम बताएंगे, चलो चलो कहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ है, तो फॉरेस्ट वाले भी आए देखने के लिए, निरीक्षण कर लिया होगा, उधर को गए उधर ही से आए जंगल, अच्छा गाड़ी से, नहीं नहीं पैदल, पैदल तो आए जंगल से, तो आप भी वैसे अम्मा अकेले मत जाना, ये आपसे तो गुजारिश है थोड़ी, क्या करूं फिर आओ कहां, ऐसे जाना पड़ता है क्या करूं, वही तो कह रहा अकेले मत जाओ ना, आप देखो आपने देखा ही है यहाँ का माहौल कैसा रहता है ना, दो गाय यहाँ पर मारी, वो पेड़ ही हो, उसके आगे से उसके पीछे मारी, उसके नीचे रखा, अरे एक गाय इधर को मारी और रोकड़, ये कितने टाइम पहले की थी उसने, अच्छा एक गाय ये बचाया यहाँ से ऊपर को ले गया ऊपर जंगल को, अभी तो उसके बच्चे भी है ना, वो खाएगा बहुत, बच्चे हैं तीन बच्चे, मार दिए उसने, इसलिए तुम्हारे पास है, अचार नहीं है कुछ नहीं, ना ना हम कुछ नहीं लेके चलते, इसी साइड में कहीं मारा था बोल रहे हैं, हाँ
ये हो रहा है खून हम खून बड़ा है ना वो ऐसे लेके उसको उसने बच्चे भी निकाला उसको बाहर वो नीचे है ना उसकी गाय भी देने वाली थी उसका बच्चा तो निकाल दिया उसी टाइम उसने बाहर खाया अलग निकाल के खा लेते सब अब बच्चा भी खा जाए देखा हमारे यहाँ मारा था उसने तो उसे नहीं खाया अब उसके भी बच्चे भी क्या ही कर सकते उसको भी खाना ही हुआ उसी ने खाया पहले भी जो गाय मारी थी उसके बच्चे भी तो खाए उसने खाया हो अलग गार दिया उसने रखा वहाँ बच्चा रखा यहाँ उधर को ले गया उसको नहीं गया ऊपर से मारा उसने झपट्टा कब पिछले महीने बाघ ने झपट्टा मार दिया सब भाग गया नीचे को वहाँ रक्षाबंधन के आगे गिले दिन हाँ रक्षाबंधन के आगे दिन वहाँ जो अपना आप भाग भाग के आए एक का मोबाइल भी वहाँ पड़ गया यहाँ तो ट्रैक्टर घुसा है यार तो हमने झाड़ी काट दी है इतने झाड़ी तो नहीं होनी चाहिए बंदर था ये हमने झाड़ी काट दी है इधर झाड़ी तो आप काट लिया करो क्योंकि फिर बच्चों के लिए भी डर हुआ झाड़ी काट लिया किसने काटना लो अब अपना झाड़ी काटेंगे झाड़ी से काटेंगे ये ना ये खींचे का निशान दिख रहा है यहाँ से पूरा वो देखो आगे देखो ये रहा ब्लड यहाँ पे भी है देखो इधर भी ब्लड है ये देखो और वो जो आगे अब ज़्यादा आगे जाना रिस्की है थोड़ा ना आगे झाड़ी वाड़ी में कहीं छुपाया होगा उसने और ये देखो जो एक महीने पहले किल किया था यहाँ पर ये कर रहे हैं कल आपने भी देखा था उसको देखा फोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अच्छा लड़के ने फोन में रिकॉर्डिंग कर रहा अच्छा वीडियो में देखा होगा हमारा घर है ना हमको क्या पता है स्कूल अच्छा टीचर यहाँ आते हैं तो आंटी का गांव वहाँ पे है और यहाँ आप मतलब रेगुलर चराने के लिए यहीं छोड़ देते हो गाय जानवर क्या करूँ वहाँ तो है नहीं कुछ ना अब जंगल कैसे जाऊँ वहाँ तो कुछ भी नहीं है चराने के लिए वो था वो सारा रोकड़ बना दिए अब पीछे है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है वहाँ चरने के लिए रोज यहीं आते थे गाय क्या करूँ समस्या यहाँ ले गया था इन झाड़ियों में वो झाड़ी नहीं देख रहा तुमको वहाँ रगड़ते हुए पार्ट की आवाज आ रही लगातार दूरबीन से देखो बाघ खोज मैं पड़ बोलता रहा से एकदम नियरेस्ट घर है तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं इनको पता है और इनके सामने की घटना अब जो वीडियो बनी थी यहीं से बनी घर पे एंट्री करे और ये देखे जी अभी ये घर है जो एकदम नियरेस्ट है जहाँ पे टाइगर दिखा था अभी हमें यहाँ मिले भैया क्या नाम है जी आपका सूर्य कुमार सुजल आप तो आप लोग यहीं रहते हैं तो बाकी तो लगातार यहाँ पे मूवमेंट है कल क्या हुआ था कल मतलब ये हुआ था यहाँ पे गाय वो चुगने के लिए आई थी तो एक टाइगर ने वो गाय को पकड़ लिया
आपके सामने की बात है ना, मैं यहाँ था नहीं पर भाई का था। अच्छा भाई लोग थे, यहीं से बनाई थी जो वीडियो बनाई थी इसी घर से ना, सबसे लेटेस्ट तो यही घर है। बाकी रात को मतलब आप लोगों के टॉयलेट भारी है तो भारी जाना पड़ता है, तो अकेले चले जाते हो या कैसे? रात को अकेले नहीं आते, मतलब मम्मी के साथ हो गया। मम्मी के साथ टॉर्च वॉर्च मार के आते हो गए, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से फेंसिंग तो कहीं भी नहीं है, खुला ही है पूरा। थोड़ा झाड़ी वाड़ी भी कटवाना थोड़ी ना। और बताओ स्कूल स्कूल यही है सब? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। यहाँ लाइट वाइट आती है? लाइट प्रॉपर है जैसे मोहन में वैसी ही है? अच्छा अच्छा ठीक हो गया। देखिए मतलब जंगल से सटा हुआ पहले वाली, भैया मिले हैं जिन्होंने कल वो वीडियो आप ही ने बनाई थी। तो कितने कितने टाइम की बात होगी? 2 बजे। तो पहले से ही घूम रहे थे या सडन मतलब जंगल से निकल के आया? जंगल से निकल के आया, सीधे भागा उसके ऊपर। कल दिन में जब उसने गाय मारी वहाँ पर तो दिखाई दे रहा है शेर ऊपर, जब वहाँ पर जंगल आ रहा है तो इधर ही को जा रहा था अकेले में। अच्छा, बच्चे जंगल में थे, बच्चे जंगल में ही छोड़े होंगे। तो काफी 4-5 महीने हो गए यहाँ पे। हाँ, तो एक एक करके गाय एक भी नहीं रहने देगा यहाँ पे। अब डरी हो गई हमें तो यहाँ पे। आप लोगों के लिए तो खैर डर नहीं है, झाड़ी वाड़ी भी है, खासकर बच्चे बच्चे टॉयलेट तो शायद भारी है सब। बाढ़ की समस्या है इधर जंगल में हमारे लिए, टाइगर पार्क हाथी की समस्या ज्यादा है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। तो बाकी सरकार क्या कह रही है, कुछ कहा सरकार का क्या कहना है, आश्वासन दिया कुछ शिफ्ट करने का या क्या कह रहे हैं? विस्थापन का भी पता नहीं है कुछ। अरे कोई नहीं, चलो अभी। तो जी ये सुंदर विलेज चूकम, और यहाँ पे पूरी कंक्रीट की रोड है। तो अभी जैसे पानी का लेवल कम होगा तो यहाँ गाड़ी भी आने लग जाएगी। पिछली बार यहाँ मारा था, अरे इसके पीछे ये फैमिली थी, अब चली गई यहाँ। वो व्यक्ति कौन है? हाँ बाढ़ ग्रसित, अब हम यहाँ से उतर रहे हैं नीचे। तो जी अभी ट्रैक करके पूरा वापस आ गए, और काफ़ी ज़्यादा चलना तो था ही, और होपफुली हमने थोड़ा बहुत जो आपको कवरेज करके दिखाया होगा। तो बताना बाकी नेक्स्ट टाइम आपको लेके चलेंगे किसी और जगह पे, और बने रहिए आप लोगों के साथ। और अभी करते हैं ब्लॉग को क्लोज और मिलते हैं दोबारा नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।